हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जो दूसरा नेक्स्ट चैप्टर जो लेने जा रहा हूँ उसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सलिक एसिड। तो इसमें भी मैं दूसरे चैप्टर की तरह वही बोलूंगा मैं आपको कि नॉमेनक्लेचर आपको परफेक्ट करना है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सलिक एसिड का। नॉमेनक्लेचर आएगा तभी आपको उसके प्रिपरेशन मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आती है, ठीक है। तो पहले आप नॉमेनक्लेचर पे कमांड लाइए पहले, ओके। उसके बाद फिर देखिए, फिर मैंने यहाँ पे देखो तो आपका ये नॉमेनक्लेचर आपको करना ही करना है, आपको अच्छी तरह से नॉमेनक्लेचर बहुत परफेक्टली कर लेना है इसको, ओके। तो अभी आपका पहला पॉइंट समझ आ गया आपको, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सलिक एसिड का तैयार कर लेना अच्छी तरह से। फिर देखिए, फिर आपको देखो प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सलिक एसिड किससे करना है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। पहले मैं ले जा रहा हूँ इटार्ड रिएक्शन, पहले इटार्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन तो सारे करने आपको, ठीक है। फिर आपको स्टीफन रिएक्शन लिखा, नेम रिएक्शन लिखा है वहां पर सब, ठीक है। उसके बाद फिर रोजनमुंड रिडक्शन कर लेना है, फिर आपको गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन ये कर लेना था, फिर आपका ग्रिग्नर डीजन ये है, ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बो ऑक्सलिक एसिड का, एक ही प्रिपरेशन कार्बो ऑक्सलिक, बाकी सब अल्डिहाइड कीटोन का, ओके। इतना ये हो गया आपका प्रिपरेशन में, बन जाएगा आपसे। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, आप केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे अगर आप लोग, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और क्या ले रहे हैं लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट करना, जितने भी रिएक्शन एक टेबल दिया है टेक्स्ट बुक में वो टेबल पूरा आपको कर लेना है आपको, ओके बेटा। ये अच्छे कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड जरा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड अमोनिया ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर ये देखो ये नेम रिएक्शन है वुल्फ किशनर रिडक्शन, ये आपके नेम रिएक्शन, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। फिर एल्डोल कंडेंसेशन, बाप रे ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको परफेक्ट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% कर लेना है। तो ये आपको आने ही वाला है, मान के चलिए 100% आएगा ये। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्या कर लेना है यहाँ पर, कैनिजारो रिएक्शन, देख रहा इसको भी कंप्लीट करना है, मतलब पूरा विद जनरल रिएक्शन उसका हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए करने के लिए, या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है इस पे, या फिर आपको क्या पूरा नेम रिएक्शन आएगा। तो ऐसा कोई जरूर नहीं कि नेम लिखा होगा कैनिजारो होकर गया, ऐसा कोई जरूर नहीं, सिर्फ रिएक्शन देके कंप्लीट करने बोलते, वो ऐसे भी आ सकता है। एल्डोल में वही है कैनिजारो, तो एल्डोल नहीं आया तो कैनिजारो 100%, ये दोनों के दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताता हूँ ये भी आपका कैसे रहेगा, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो आपको परफेक्ट करके बैठने जा रहा है। उसके बाद फिर देखो टॉलेंस, ये टेस्ट है, टॉलेंस रिएक्शन ये टेस्ट है आपका अल्डिहाइड कीटोन के विषय में। फिर फेलिंग्स टेस्ट ये भी टेस्ट है आपका। फिर आपका ये कार्बो ऑक्सलिक एसिड थैलीमाइड रिफॉर्मेशन करके दिया हुआ एक रिएक्शन, ये कर लेना आपको, थैलीमाइड से आपको करना है, थैलीमाइड सिंथेसिस करके। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन करना, ये अल्डिहाइड कीटोन में आता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद फिर है क्लीमेंशन रिडक्शन, इतना आपको कर लेना है, ये हो गया क्लीमेंशन रिडक्शन, बराबर है। तो इतने कर लिया आपका, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ के अंदर से ही आने वाला है आपको, ओके। तो अभी इतना कर लीजिए, ये चैप्टर इतना भी काफी कुछ हो गया, ये बहुत सारा हो गया, क्योंकि मैंने हेडिंग डाली हुई है आपको पूरा वो आर्टिकल, क्योंकि क्यों क्वेश्चन कौन सा बना ये नहीं बता सकते भाई, कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है बोला हमने, या फिर एल्डोल कंडेंस बोला, शॉर्ट नोट लिखो बोलेगा, ठीक है, या फिर कंप्लीट द फॉलो रिएक्शन करने आ सकता है, या आइडेंटिफाई ए बी सी ऐसा आ सकता है, तो उसके लिए उसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पूरा आर्टिकल तैयार कर लेना है, आपको छोड़ना कुछ नहीं, जितने मैंने आर्टिकल आपको नाम दिए ना बिल्कुल 100% पूरे अच्छे से तैयार, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ऑडिंग क्या होता है लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा आप लोग सोचेंगे सर मेरे वीडियो लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा आई साइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अभी, उसलिए मैं थोड़ा सा कम बैठ रहा हूँ लैपटॉप पे, इस पे टीचिंग लिए थोड़ा सा कम बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हॉस्पिटल रहा हूँ, मैं बहुत एडमिट है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये आई साइट का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मेरे को एक आंख से ब्लर दिख रहा है। आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे सर इतना स्लो वीडियो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ मेडिकल इशू आ गया है, उसके लिए थोड़ा सा मैं रहा, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं धीरे धीरे क्यों, लेकिन मैं आपको डालूंगा, आपको पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा, जब तक तो मेरा आई आई का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा ट्रीटमेंट चालू मेरा आंखों का, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ना ब्लर दिख रहा है मेरे को, एक आंख से मेरे को कम दिख रहा है अभी, आप समझ रहे हैं ना, इतने मेडिकल इशू आ गया, उसके लिए मैं जरा वीडियोस कम डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोचिंग में तो पढ़ाने जाना ही पड़ता है मेरे को, तो वो टीचिंग करता ही हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत लोग बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो मेरा वही मेरा हेल्थ इश्यू आने के कारण मैं जरा थोड़ा सा स्लो वीडियो आ रहा है मेरा, ठीक है ना। जैसे जैसे आप आज थोड़ा सा अभी मेरे को सो के उठाओ थोड़ा अच्छा लगा, मैं अभी आपका ये वीडियो बना रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा
थोड़ा सा जरा समझ लीजिए जरा क्या करेंगे अभी थोड़ा याद है, लेकिन इतना ही कि आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे आपको मिल जाएंगे, जैन तक पूरा खत्म कर दोगे ये सीरीज में आपके, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है। अब इस मंथ के बहुत सारे दिन बचे हुए, मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है मैं करने, क्योंकि उसको ये इंपॉर्टेंट निकालने भी पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, कि उसके बाहर जाना नहीं चाहिए, ये सब हमको विचार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा मेरी कंडीशन समझ कर अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा ये कर लीजिए, तो आएगा आपकी सीरीज में कंप्लीट करूंगा, और जितना हो सकता है मैं थोड़ा टीचिंग भी करूंगा, देखूंगा उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसकी टीचिंग भी करने की कोशिश करूंगा मैं, प्रॉमिस नहीं करता लेकिन कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप अपने फ्रेंड्स को बता चलिए, चैनल को सब्सक्राइब लगाइए, जितना हो सकता है मैं करूंगा। थोड़ा सा मेरा जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट है वो, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, तो लेकिन बेफिक्र रहिए, हो जाएगा वो, ठीक है ना बेटा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों का जितना मैं बता रहा हूँ, यह है कि आपका बोर्ड में खराब होने होगा, बोर्ड अच्छा होगा फिर अगर मेरा पूरा अच्छा हो गया तो मैं इस साल क्रैश कोर्स भी, सीईटी का क्रैश कोर्स भी मेरे ऐप पे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप रेडी रहिए, मैं बहुत बढ़िया करूँगा। थोड़ा सा जरा मेरा मेडिकल इशू जरा खत्म होने चाहिए, फिर आपका मैं प्रॉब्लम पूरे सॉल्व कर दूंगा, ओके बेटा। चलिए बाय, पढ़ते रहिए, ओके चलिए।